हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यार। अगर कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो कमेंट कर देना, बता देना क्या है दिक्कत, क्या है इशू। ठीक है, कुछ भी हो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, अब कुछ भी हो बोला है बट ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही इररिलेवेंट इशू बताओ। ठीक है, जो रेलिवेंट इशू है, कहीं पढ़ाई में कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस चीज़ को फोकस करना है, किसको नहीं करना, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, है ना। चल, आज की तारीख है 11, हम सब जानते ही हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, साथ के साथ डे है अगर 11 तारीख तो कुछ ऑब्जर्व भी करते होंगे, कोई पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट भी करते होंगे, तो 2 डेज मिले आज। एक तो डे है बेसिकली जीनोसाइड जनसंहार हुआ था, जिसे हम बोलते हैं मास लेवल पे जब मास मैसेक्रे होता है या जेनोसाइड जनसंहार होता है, मास लेवल पे लोगों को जब मारा जाता है पर्पसली। ठीक है, दूसरी वेनिका में ये जेनोसाइड हुआ था 11 जुलाई 1995 में। ठीक है, उसको याद करते हुए एक ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, वो भी 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन डे है तो पॉपुलेशन को तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। तो काउंट जो है वो आपके थीम में है। ठीक है, कि किसी को भी मत छोड़ो, सबको काउंट करो, तो ये तो सिंपल सा है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो, अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने एडवाइस किया है सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को, कि वो सर्वधर्मा मीटिंग जो है वो रखें टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज़। जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, लाइक स्पेसिफाइड 6 हैं, उन सब की प्रोटेक्शन किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, कभी भी जब उन्हें कोई भी हार्म होता है, ठीक है, या कोई भी उनकी इंटीग्रिटी या लेट्स से किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से उन्हें हार्म करने की कोशिश की जाती है, उन्हें हार्म किया जाता है, तो उनसे उनके प्रोटेक्शन के लिए जनरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। अब क्या क्वेश्चन ये है कि जो कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, जिसे आप NCM के नाम से जानते हैं, उन्होंने एडवाइस किया है कि स्टेट लेवल पे हर मंथ जो है वो मीटिंग होनी चाहिए, और सर्वधर्मा मीटिंग्स जो हैं हाफ ईयरली किस लेवल पे होगी? हाफ ईयरली होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मंथली जो होगी वो स्टेट लेवल पे होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाफ ईयरली होगी। ठीक है, हाफ ईयरली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और महीने में एक बार इन द सब डिविजनल लेवल ऑफ द स्टेट इट इज़ बींग कंडक्टेड, एंड इट विल कर्ब, ये कम करेगा उन इंसिडेंट्स को, उन एक्ट्स को जो अगेंस्ट हैं, दैट इज़ द हेट क्राइम अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़। मैंने बोला था कि जो नोटिफाइड हैं वो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें आती है हमारी मुस्लिम्स, क्रिश्चन्स, सिख, बुद्धिस्ट, पर्स, पारसीज एंड जैनीज। ठीक है, जैंस जो होते हैं। अच्छा, चेयरमैन कौन है इसके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के? इकबाल सिंह लालपुरा जी जो हैं वो चेयरमैन हैं। और आर्टिकल 25 क्या कहता है, यहाँ पे मेंशन भी है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिस भी धर्म का हो, उसे मैं अगर मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ, तो अगर मैं हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहूँ, किसी के आगे बोलना चाहूँ कि हमारे धर्म तो इतना अच्छा है या इस धर्म में ऐसा होता है, या पर्टिकुलर कोई भी टीचिंग है, कोई भी चीज़ कहनी है मुझे एक धर्म जो जिसको मैं फॉलो करती हूँ उससे रिलेटेड, तो मैं कह सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 25 सेज कि आपके पास फ्रीडम है अपने धर्म का प्रचार करने की, अपने धर्म के बारे में बात करने की फ्रीडम है। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैं एकदम से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछ लेता है स्टैटिक फॉर्म में कि पर्टिकुलर दिस हैज़ बीन डन, और अब बताओ कि आर्टिकल 25 या कौन सा आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या फिर रिलीजियस या फिर यू कैन से कि कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ग्रांट करता है टू यू कैन से प्रोपोगेट
द रिलीजन यू हैव या यू फॉलो, ठीक है, तो उस केस में आप आर्टिकल 25 कह सकते हो. मतलब एक करंट के क्वेश्चन को स्टैटिक के फॉर्म में भी पूछा जाता है, ये मैं आपसे कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ. और स्टैटिक पार्ट जो है वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ. सभी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे एनजीओ से हो, चाहे रिलीजियस पर्सन हो, एजुकेशनिस्ट हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सभी जो है वो इस मीटिंग का पार्ट बनेंगे. ठीक है, डिस्कशन होगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, सब पे बात होगी. अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, एक सेचुरेटरी बॉडी है जो एक्ट, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 1992 का, उसके तहत पार्लियामेंट के द्वारा इसका गठन किया गया है. एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 5 जो है वो मेंबर्स हैं. एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 जो है वो मेंबर हैं. टोटल कितने हो गए? 7 लोग हो गए. अब इन 7 लोगों में से भी, ठीक है, जो 5 लोग होने चाहिए वो इन 6 जो नोटिफाई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, उनमें से कम्युनिटीज़ हैं, उनमें से एक होने चाहिए. यानी कि 5 लोग जो हैं उनमें से, 7 लोगों में से जो 5 लोग हैं, या तो कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई बुद्धिस्ट, कोई पारसी, कोई जैन, कोई भी, लाइक 5 लोग इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट के लिए. अगर आप किसी चीज़ से, लेट्स से, अगर बीइंग अ हिंदू, ठीक है, मैं जो चीज़ें हैं, जो रिवाज हैं, जो कल्चर है वो समझ सकती हूँ, ठीक है. अगर लेट्स से मैं एक रीजन, मैं नॉर्थ में रह रही हूँ और कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट साइड में रह रहा है, ठीक है, तो मैं एक तरह से बीइंग अ हिंदू, मैं थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है, जैसे बोलते हैं ना, हर 100 मीटर पे भाषा बदल जाती है, तो भाषा कल्चर चेंज होता है, बट ऑन एन एवरेज सभी हिंदू, जैसे कॉमन चीज़ें हैं, सभी दिवाली मनाते हैं, सभी होली मनाते हैं, तो ये कुछ पर्सपेक्टिव हैं, कुछ ब्रॉड टर्म में चीज़ें हैं, वो सबकी सेम होती है. जो बहुत, जैसे कई फेस्टिवल्स होते हैं जो कुछ लोग मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते हिंदू फेस्टिवल्स में, तो ऑन एन एवरेज जब आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप उनकी परेशानी, उनकी चीज़ें समझ सकते हो, रेदर देन जो पर्सन नहीं बिलोंग करता उसे. वो देखो, जब कोई इंसान एक पोस्ट पे होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें समझता है, बट अगर वो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो पर्सनल टच जो आता है दैट हेल्प्स हिम और हर कि वो लोगों की जो परेशानी है या चीज़ें हैं उनको और बेटर तरीके से समझ पाए. आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट. तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ये 69th एडिशन है, ठीक है, 69th एडिशन है सिविल लिस्ट का. सिविल लिस्ट क्या है? देखो, सिविल लिस्ट जो है IAS ऑफिसर्स की लिस्ट है, और इस लिस्ट में क्या होता है, अराउंड 6000 से ऊपर जो IAS ऑफिसर्स हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो, एज इन उनका बैच नंबर, वो कब उनकी ज्वाइनिंग हुई, क्या उनकी सैलरी है, कब वो रिटायर होंगे, सारी डिटेल्स मेंशन होती है. अब इस लिस्ट का गवर्नमेंट क्या करती है, इस लिस्ट से गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट ऑफिसर अपने टाइम के, जो एक टाइम पर्टिकुलर अभी तक जितना काम कर चुके हैं, जो भी उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको देख के समझ के जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो उन्हें लगते हैं कि ये बेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको जहाँ पे भी गवर्नमेंट को भेजना होता है अक्रॉस द कंट्री, गवर्नमेंट उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जोन, जगह पे डिप्लॉय करती है, मतलब वहाँ पे उनको भेजा जाता है, ठीक है. तो ये टॉप कुछ IAS ऑफिसर्स निकल के आते हैं इस लिस्ट में से, और वो फिर आगे उनको जो गवर्नमेंट है जो भी काम सौंपना होता है वो काम सौंपती है, ठीक है. 1960 में शुरू हुआ था, और अगर ई एडिशन की बात करें तो 14th ई एडिशन, ई बुक था ये, ई वर्जन था ये, ठीक है, ई बुक वर्जन था, वरना 1960 से ये शुरू हुआ था, अभी टोटल 69 था, बट अगर ई बुक की बात करो तो दैट इज़ द 4th एडिशन, राइट. चलो आगे चलते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑन प्रो बोनो बेसिस. प्रो बोनो बेसिस क्या होता है? प्रो बोनो बेसिस बेसिकली मीन्स फॉर द पब्लिक, ठीक है, फॉर द यू कैन से फॉर द पब्लिक गुड, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, फॉर द पब्लिक गुड और फॉर द गुड यू कैन से. यहाँ पे पब्लिसो नहीं है, जनरली ये टर्म होती है प्रो बोनो पब्लिको, ठीक है. तो
दिस इज अ टर्म बेसिकली, राइट। तो बेसिकली फॉर द गुड, ठीक, ताकि बेहतरी हो उसके लिए। द क्वेश्चन इज कि कौन प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट हुआ है एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए सौम्या स्वामीनाथन जी जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर, राइट। शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल एडवाइस ऑन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो भी बनाई जाएगी, जो भी गोल्स लाइक बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसी डायरेक्शन नेसेसरी होंगी, ठीक है, जो भी करेक्शंस, जो भी चीज़ें, जो भी एडवाइस रिसर्च पे, जिस जो भी स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉलो करनी होगी, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। शी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, और बेसिकली जो सपोर्ट है वो तो उनको मिलेगा ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्टेट ऑफिशियल से एंड जो भी डेवलपिंग पार्टनर्स हैं उन सब से। शी वॉज अ फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड शी हैज़ ऑल्सो बीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अभी ये है प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक। अकॉर्डिंग टू NEP, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020, विच ग्रेड ऑफ स्टूडेंट आर रिकमेंडेड टू पार्टिसिपेट इन 10-day bagless period, राइट। दस दिवसीय जो बैगलेस पीरियड है वो NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 20 वाली, ठीक है, जो अभी लाइक बेसिक रूल्स आए हैं उसके तहत क्या कहा गया है कि जो 6 से 8वीं कक्षा तक का बच्चा है, हर बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है उसको ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, ये इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। नॉट द ट्रेनिंग वन, यू कैन से ये एक तरह से इसमें ना सारा इनोवेटिव आप कह सकते हैं बैगलेस डेज वो डेज होते हैं जब बच्चों को इनक्रेज किया जाता है कि वो सभी सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो आर्ट हो गई, क्विजेज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, स्किल बेस्ड लर्निंग हो गई, हर तरीके से बच्चों को जितना बेहतर, जितनी स्किल उनके अंदर डेवलप की जा सके, जितना इनोवेटिव वो सोच सकें, जितना खुल के वो चीज़ों को कर सकें, उन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये 10 दिन का जो पूरा कार्यक्रम होता है या जो 10 दिन की पूरी सेट ऑफ चीज़ें बच्चे करते हैं इस पूरे पीरियड में, ठीक है, 10 दिन के पीरियड में, वो हर बच्चे को करना अनिवार्य है एज़ पर द NEP 2020 एंड इट हैज़ बीन रिटन इन पैराग्राफ 4.26 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट हैज़ बीन रिकमेंडेड कि 6 से 8वीं कक्षा के बच्चों को ये करना ज़रूरी है। और ये जो गाइडलाइंस हैं वो संजय कुमार ने रिव्यू की हैं, गाइडलाइंस दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय PSSCIV, अ यूनिट ऑफ NCERT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि वो बैगलेस डेज जो हैं वो हर स्कूल में प्रॉपरली अच्छे से डिज़ाइन हुए और बच्चे जो हैं बेसिकली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, जो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट बच्चों के लाइफ में होता है तो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है उन 10 दिन के पीरियड जब वो हंसी मजाक मस्ती सब कुछ करते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि बैठो और सोचो कि क्या आपके अंदर अच्छा है, या फिर आपको पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल दिया जाए जिससे आपकी जो स्किल है वो और निखर के आए, ठीक है। तो जब आपको इन शॉर्ट आपके मन का काम करने देते हैं तो वो चीज़ और कितनी बेहतर और ब्यूटीफुल हो जाती है ना। अगर वही आपसे कोई काम करवाया जाए जो आपके मन का ना हो तो आप बस, आप क्या हर कोई इंसान जो है वो बस उसको करेगा और कहेगा चलो पीछा छूटा, है ना। चलो आगे चलते हैं। डैश एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड UAE वॉज हेल्ड इन दुबई। द क्वेश्चन इज कौन सा एडिशन जो है वो भी हुआ है जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग का, जो भारत और UAE के बीच अबू धाबी में हुआ है, ठीक है। तो ये 12वां एडिशन है, 12th एडिशन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका, ठीक है। एंड मीटिंग जो है वो ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद अलमा सरूकी के द्वारा, ठीक है, ली गई, चेयर की गई एंड इस मीटिंग के दौरान
दोनों जो पक्ष हैं दे हैव डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो डिफेंस को स्ट्रेंथन कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों नेशंस के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हेल्प करें, ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई एंड बोथ साइड डेलिब्रेटेड ऑन दी रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशंस लीडिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड अंडरस्कोर्ड द नीड टू एनहांस कोलैबोरेशन टू टैकल द सिक्योरिटी चैलेंजेस. बोथ द नेशन हैव लाइक दे हैव पोंडर अपॉन और दे हैव deliberated, they have thought of, they have talked about everything that is possible. और जो जिस चीज़ों में बात security, maritime, इन जिन चीज़ों पर बात की जानी चाहिए थी जो meetings में होता है वही same चीज़ अभी भी हुई है. ठीक है. And India UAE की जो ये पूरा like joint defense cooperation committee है इस ये जो है वो 2006 में establish हुई थी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली को होस्टेड द नेशनल लेवल सेमिनार ऑन क्वालिटी रिफॉर्म विद द डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस. किसने बेसिकली अभी को होस्ट किया है नेशनल लेवल का क्वालिटी रिफॉर्म्स में जो सेमिनार है. ठीक है. विद द क्वालिटी अश्योरेंस डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस के साथ किसने को होस्ट किया है इसको, तो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने होस्ट किया है. ठीक है. को होस्ट किया है अलोंग विद द डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 250 डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड द मेंबर ऑफ एसोचोम, फिक्की, एसआईडीएम, PSDCCI एंड मेनी मोर हैव जॉइंड, हैव पार्टिसिपेटेड इन इट. एंड जो सेमिनार है इट हैव कम्युनिकेटेड विद अ डिसीजन टू हैव सच इंट्रैक्शन ताकि मोर रेगुलर इंट्रैक्शन अगर होगी बेसिकली बिटवीन द एजेंसीज, बिटवीन द डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में. अब जब तक दो लोग मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी, है ना. तो ये भी वही कह रहे हैं कि जब तक आप डिफेंस मैन्युफैक्चर जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है अगर वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं. ठीक है. या जहाँ पे भी जितनी भी उनकी ज़रूरत है पर्टिकुलर जिस जगह पे बात करने की अगर वहाँ बात नहीं हो पाएगी तो एक जो तालमेल बनना चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर वर्क के लिए, वो कैसे हो पाएगा. तो अगर ये चीज़ होती है, ये सेमिनार्स होते हैं तो इट हेल्प्स. ठीक है. वही यहाँ पे बात की गई है. और अगर बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है. एंड ये बेसिकली प्रोवाइड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है कि जो क्वालिटी है वो एक तरह से बेहतर हो, बेटर हो और बेस्ट हो फॉर द रेंज ऑफ आर्म्स, एम्यूनेशन या कोई भी चीज़ें डिफेंस फोर्सेज में जो यूज़ होते हैं. इनके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन डायरेक्टर जनरल है. ठीक है. अभी सेंट्रल जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने डायरेक्ट किया है यात्रा को कि वो रिफंड करें बुकिंग अमाउंट टू द कंज्यूमर अफेक्टेड बाय COVID-19 लॉकडाउन. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है कंज्यूमर और एक वर्ड होता है कस्टमर. ठीक है. दोनों में फ़र्क होता है. पहली बात, क्वेश्चन क्या है पहले वो बता देती हूँ, या फिर चलो पहले इस पे बात करते हैं एक बार कि कंज्यूमर और कस्टमर जो मैंने लिख दिया ठीक उस पे बात करते हैं. देखो, कंज्यूमर द वन हु कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट. ठीक है. मैं जाती हूँ शॉप पे, पानी की बॉटल खरीदती हूँ, तो मैंने अगर वो पानी की बॉटल पी ली, ठीक है, पानी पिया, पानी की बॉटल नहीं पी, पानी पिया उस बॉटल में से, राइट. तो आई कंज्यूम्ड दैट वाटर, मैंने उसको पिया. ठीक है. तो मैं कस्टमर भी हूँ जिसने खरीदा और मैं कंज्यूमर भी हूँ जिसने कंज्यूम कर लिया. अब इन दोनों का फ़र्क कैसे समझोगे. देखो, एक छोटा बेबी है, उसकी नीड्स होती हैं, डायपर की नीड्स हो गई, खिलौने हो गए, कपड़े हो गए छोटे बच्चे के, ठीक है, बहुत सारी नीड्स होती हैं. अब छोटा बच्चा जो गोदी का है या कुछ साल का है, 2-4-5 साल का, वो शॉप पे तो नहीं जाएगा खरीदने के लिए, उसके पेरेंट्स खरीदेंगे. तो जब पेरेंट्स जो हैं सामान खरीद रहे हैं तो वो हो गए कस्टमर. ठीक है, जो बाय कर रहे हैं. कंज्यूमर कौन हुआ, डायपर कौन यूज़ कर रहा है, या छोटे छोटे कपड़े कौन यूज़ कर रहा है, या सिरेलेक आता है वो कौन यूज़ कर रहा है, वो कौन खा रहा है, बच्चा खा रहा है, वो गया कंज्यूमर. ठीक है, ये फ़र्क होता है कस्टमर और कंज्यूमर में, राइट. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है
यात्रा को कि वो रिफंड करें अमाउंट जो भी जब भी जैसे कोविड-19 के टाइम पे जब लोगों ने बुकिंग करवाई थी, ठीक है, बहुत लोगों को अपने घर जाना था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, पूरा प्रॉपर लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत लोगों ने बुकिंग करवाई थी. अब उस बुकिंग का क्या क्या किया, यात्रा हो गया और भी जैसे थे, बेसिकली अभी जो नोटिफिकेशन आया है PIB में वो यात्रा से ही रिलेटेड आया है कि इन लोगों ने पहले डिनाई कर दिया था, फिर काइंड ऑफ अ केस चला, जिसके बाद अभी तक यात्रा ने काफ़ी अमाउंट जो है वो रिलीज़ कर दिया है. बट काफ़ी सारा अमाउंट अभी उन्हें ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रिलीज़ करना बाकी है, जिसकी टोटल बुकिंग है 4800 समथिंग, और काफ़ी अमाउंट ये लोग रिलीज़ कर चुके हैं 2021 से, ठीक है. वो अमाउंट 26 करोड़ का है, 36,000 बुकिंग्स पे रिलीज़ कर चुके हैं ये, ठीक है. इन्होंने क्या किया था ना, रिफंड नहीं प्रॉपर दिया था. तो अभी कोर्ट के इंटरवेंशन से ये हुआ है कि यात्रा ने बेसिकली 21 से लेके अब तक 26 करोड़ तो रिफंड कर चुके हैं, बाकी रिफंड दे आर गोइंग टू डू, ठीक है. यात्रा हैज़ रिफंडेड ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 87%, ठीक. काफ़ी बुकिंग्स हुई और करोड़ में हैं, तो बहुत लोग उस टाइम पे इतना क्योस था उस टाइम पे कि लोग बस भाग रहे थे, बुकिंग करवा रहे थे और अपने घर जाना चाह रहे थे. और जहाँ उस टाइम पे लॉकडाउन लगा और फिर बुकिंग जब लॉकडाउन लग गया तो पैसा जो है अब ये फुली रिफंड हो रहा है धीरे धीरे करके 21 से लेके अब तक. अच्छा, ये 21 से ही क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो 2019 के एक्ट के थ्रू 2020 में बनी थी, 24 जुलाई 2020 में बनी थी, अंडर द सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है. तो अगर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली दिस हैज़ बीन डन. आगे चलते हैं. विच कंट्रीज हाइएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल. तो ये अवार्ड जो है बेसिकली किस कंट्री का है, ये अवार्ड रशिया का है. और ये अवार्ड किसको दिया गया, ये अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है. कब दिया गया, कब अनाउंस किया गया, 2019 में अनाउंस किया गया. पहले भारतीय लीडर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है. ये अवार्ड अभी का नहीं है, ये अवार्ड पीटर द ग्रेट जो थे 1698 में उन्होंने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड जो है उसकी स्थापना की थी. रशियन रेवोल्यूशन आया उस टाइम पे अवार्ड ख़त्म हो गया, फिर ये इस्टेब्लिश हुआ 1998 में, और अभी ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बेसिकली पब्लिक फिगर हैं या किसी जानी मानी गवर्नमेंट में, लाइक गवर्नमेंट में कोई जानी मानी हस्ती है, कोई पर्टिकुलर फिगर है परमानेंट, या फिर मिलिट्री लीडर हैं कोई, या साइंस कल्चर आर्ट इन सब किसी भी सेक्टर में बहुत एक्सपीरियंस लेवल पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जाना माना, ठीक, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बेस्ट है, उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है. और ये अवार्ड जो है इट कैन ऑल्सो बी अवार्डेड टू द हेड ऑफ फॉरेन स्टेट्स के जो हेड है उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक. चलो, नेम हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेन क्रिकेट टीम. इंडियन मेन क्रिकेट टीम के जो नए कोच हैं, अब पहले राहुल द्रविड़ थे, अब बन गए हैं गौतम गंभीर, ठीक है. राहुल द्रविड़ ने क्या दिया है हमें, ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी दी है, एक तरह से आप कह सकते हैं, है ना. चलो आगे चलते हैं. नेम द इंडियन स्पोर्ट पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिप्लेस्ड हु हैज़ रिप्लेस्ड मैरी कॉम एज द इंडिया चीफ डे मिशन फॉर 2024 पैरिस ओलंपिक. देखो, दो होते हैं, एक स्टेफ डी मिशन होता है, ठीक है, और एक फ्लैग बैरियर होता है, विमेन फ्लैग बैरियर, ठीक है. ही और शी इज द पर्सन जो पूरी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है. ये काइंड ऑफ अ मैनेजर आप कह सकते हो, जो हर चीज को मैनेज करता है, जितने लोग जा रहे हैं उनकी व्यवस्था, उनके इक्विपमेंट्स, पेरिस ओलंपिक में जितने भी लाइक प्लेयर्स जाएंगे उनकी पूरी व्यवस्था, उनके इक्विपमेंट, उनकी आने जाने की चीज़ें, सारा कुछ जो है वो इस पर्सन पे बेसिकली उस फॉरेन लैंड में ये पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए. फ्लैग बैरियर की बात करोगे तो विमेन फ्लैग बैरियर जो हैं अभी PV सिंधु बनी है. हाँ, फीमेल फ्लैग बैरियर जो हैं वो PV सिंधु बनी है. और PV सिंधु जो हैं वो फ्लैग बैरियर क्या होता है, फ्लैग बैरियर
वो महिला, फीमेल फ्लैग बेयर वो महिला होती है जो बेसिकली जब परेड होती है शुरुआत और समापन पे, दोनों पे, स्टार्ट और एंड पे जो परेड होती है उस टाइम पे सभी एथलीट्स, सभी जो प्लेयर्स होते हैं उनको लीड कर रही होती है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। फ्लैग बैरियर जो फ्लैग को उठा के स्टार्टिंग और एंड में परेड में जो लीड करती है। ठीक है, एंड शेवडे मिशन इज़ द वन जो पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट जो जिनके कंधों पे होता है, जो सारी चीज़ें देख के चलते हैं। तो अभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैरीकॉम ने मना कर दिया, रिज़ाइन कर दिया इन अ वे। तो अभी कौन बने हैं? अभी आपने आंसर देख ही लिया है, गगन नारंग बने हैं। ठीक है, गगन नारंग को आप अच्छे से जानते हैं, 4 टाइम ओलंपियन है ये। 2012 में मेंस 100 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और पीवी सिंधु का हमने देख ही लिया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक हमें पता है 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा और अगस्त 11 तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार वीडियोस आती हैं। ठीक है, अब तो इंग्लिश की वीडियोस आने लग गई, सारी चीज़ें आपको मिल ही रही हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सब। जब आप अभी पढ़ोगे तो और चीज़ें भी, जिसकी भी जहाँ पे भी आपको जो भी इशू होगा वो हम रिजॉल्व करते हैं ना, तो रिसेंट जितना भी होता है उससे अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, है ना। चल ओके, कल मिलते हैं।